ओंकारेश्वर के मोरटक्का में नर्मदा के दक्षिण तट पर प्राचीन मां त्रिपुरा सुंदरी बाला राजराजेश्वरी के प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। कलश स्थापना के साथ ही मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य धार्मिक आयोजन कर प्रसादी वितरण के बाद समापन होगा। मां राजेश्वरी की भव्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तृतीय दिवस देवताओं का आवाहन कर उनका पूजन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेश सोनी एवं डॉक्टर हेग्गेवाल समिति के द्वारा देवताओं का अन्ना दिवस स्नान, प्रसाद शिखर स्नान एवं शया दिवस हुआ। आज के दिन अन्ना दिवस स्नान में चमत्कार देखने को मिला। इस विधान में देवताओं का अन्न स्नान चावल के द्वारा किया जाता है। जहां देवताओं का अन्ना दिवस चल रहा था, देवताओं का स्नान पूर्ण भी नहीं हुआ था और चावल समाप्त हो गए। उसी समय नरसिंहपुर के राजेंद्र रघुवंशी का अनायास आगमन हुआ, जो ओंकारेश्वर दर्शन हेतु जा रहे थे और महोत्सव विधान की आवाज सुनकर यहां आए। उन्होंने बताया कि वह स्वयं एक चावल मिल के मालिक हैं एवं अपने साथ चावल लेकर आए हैं। उनके पास उतने ही चावल थे जितने में अन्न स्नान सम्पन्न हो सके। यह चमत्कार देखकर माँ के जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा एवं उपस्थित जन समूह में हर्ष का माहौल निर्मित हो गया। पवित्र तट है, इस मंदिर की स्थापना 1930 में और जब से इसका विधि विधान से पूजा पाठ चल रहा है, क्योंकि मंदिर उस समय का बना हुआ था, काफ़ी जीर्ण हो गया था और नया इसका पुनर्विद्धार मतलब मंदिर का किया गया है और करीब 4 दिवसीय उत्सव है राजेश्वरी माता जी का और उसके अंतर्गत पूरे कार्यक्रम कलश यात्रा और भगवान का विधिवत पूजन जलाधीश और अन्न अधीश करके ऐसे और आज ध्वज भी लगने वाला है भगवान का। ऐसे पूरे कार्यक्रम में कल पूर्ण आहुति है माता जी का पूरा कार्यक्रम होगा, उसके बाद प्रसादी है सभी को यहाँ के स्थानीय समाज आने वाला सभी। ओमकारेश्वर से मोहित साहू की रिपोर्ट।